सर्दी जुखाम बुखार होना ये कोई बहुत बड़ा इन्फेक्शन नहीं होता है दोस्तों। इन्फ्लुएंजा वायरस का इन्फेक्शन या इन्फ्लुएंजा वायरल इन्फेक्शन ये बहुत कॉमन रहा है, सदियों से चला आ रहा है। ये इन्फेक्शन नॉर्मली 6 से 7 दिन रहता है, बट इसका एक सब टाइप जो कि इस समय इंडिया के कई सारे और वर्ल्ड में भी कई सारे एरियाज में प्रिविलेंट हो रखा है, जिसमें पेशेंट को लगभग 1-1 महीने तक खांसी आ रही है। तो इन्फ्लुएंजा वायरस का जो H3N2 वायरस है ये काफी ज्यादा आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट कर रहा है, जैसे कोविड का वायरस आपकी कोविड-19 का वायरस हम लोगों के रेस्पिरेटरी सिस्टम को ही अफेक्ट कर रहा था। तो दोस्तों H3N2 वायरस इन्फेक्शन में क्या क्या मेन है और ICMR जो हमारी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है उनका क्या क्या गाइडलाइन है उस पर बेसिक कुछ चर्चा करेंगे, और होम्योपैथी की कट टू कट जो बेस्ट मेडिसिन है जिससे हम अपनी खांसी और गले की समस्या से निजात पा सकते हैं उसकी चर्चा करेंगे। तो मैं डॉक्टर दिग्विजय चौहान आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल में। दोस्तों अगर आप चैनल पे न्यू है तो फैमिली से जुड़ जाए, सब्सक्रिप्शन बटन दबा दे, बेल आइकन दबा दे, जिससे जब इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोज आएंगे आप उन्हें भी देख पाएंगे। तो दोस्तों वायरल इन्फेक्शन स्पेशली जब इन्फ्लुएंजा वायरल का इन्फेक्शन होता है तो आपको रनिंग नोज होना, छींक आना, नॉर्मल सर्दी जुकाम और बदन दर्द के साथ फीवर ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, जो कि इस सब टाइप का जो वायरल इन्फेक्शन हो रहा है H3N2 इसमें भी सेम ही सिम्टम हो रहा है। सीवियर कंडीशन में पेशेंट को नौजिया, वॉमिटिंग और डायरिया, जी हाँ उल्टी, दस्त, ये सब भी हो जा रही है अगर पेशेंट की तबीयत ज्यादा खराब हो रही है। अदरवाइज नॉर्मल अवस्था में ये सिम्टम जो है बेसिकली रनिंग नोज होगी, पेशेंट का गला खराब हो जाएगा, पेशेंट का गला बैठ जाएगा, खांसी आने लगेगी, और बहुत ही मेन जो देखने वाली बात है इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो रहा है, और जो अबव 50-60 एज के लोग हैं उनमें तो एकदम कम एज और हाई एज में दोनों में जहां पर इम्यूनिटी बहुत इजीली डिसरप्ट की जा सकती है वहां पे वायरल इन्फेक्शन काफी ज्यादा देखने मिल रहा है। बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स का सेवन करने से इम्यूनिटी डिस्टर्ब होती है, ये बात ICMR भी बोल रहा है और IMA इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वो भी बोल रहा है कि अपने मन से ओवर यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स ना करें, कि जब भी कोई दिक्कत हो तुरंत से एंटीबायोटिक उठाकर आप ना खाएं। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में आप आयुष के जितने भी, चाहे वो आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी, इन सब का साधन लेकर अपनी प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। तो फर्स्ट लाइन जो उन्होंने गाइडलाइन दी है कि अपने मन से एलोपैथिक मेडिसिन या आप एंटीबायोटिक्स का सेवन ना करें। नेक्स्ट जो हम लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल फॉलो किए थे, हाथ को हमेशा वॉश करना, भीड़ में जाने पर मास्क का यूज करना, ये बहुत ही बेसिक चीजें हैं जो बच्चों को स्पेशली स्कूल वगैरह में करवानी चाहिए, जिससे कि बच्चों से जो इन्फेक्शन एक दूसरे बच्चों में बहुत इजीली फैल रहा है वो रुक जाएगा। इंडिया में स्पेशली कर्नाटका, दिल्ली और यूपी के लखनऊ और कानपुर जैसे एरिया में बहुत ज्यादा वायरल इन्फेक्शन हो रहा है। ICMR का कहना है कि जो बुखार है दोस्तों 3 से 4 दिन में चला जाता है नॉर्मल दवाओं के सेवन से ही, बट जो खांसी है वो 3 हफ्ते से 4 हफ्ते, लगभग 21 दिन से लेकर 28 दिन तक ये खांसी आपकी पेशेंट को आती रहती है, स्पेशली जब बच्चों में या बड़ों में, ओल्ड एज लोगों में खांसी की समस्या 1 से 2 हफ्ते आप देखते हैं तो कोई भी पेशेंट पैनिक हो जाता है और परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ बेसिक मेडिसिन की बात करेंगे जिससे हम पेशेंट्स की इम्यूनिटी को भी मजबूत करेंगे और उनकी खांसी और बुखार, इन तीनों एंगल को हम कवर अप करेंगे। तो सबसे पहला कुरकुमा, लौंगा, हल्दी का मदर टिंचर ले लीजिए, बच्चा हो बड़ा हो अगर गार्गल कर सकता है पेशेंट हो, 30-40 ड्रॉप मदर टिंचर का थोड़ा एक ग्लास ऑफ वाटर गुनगुना पानी ले, उसमें डालें और सुबह शाम गार्गल करने के लिए पेशेंट को बोले। अगर पेशेंट गार्गल नहीं कर सकता, स्पेशली जो छोटे बच्चे होते हैं 3-4 साल के, उनको गार्गल करते नहीं बनता है, तो उनको वो मदर टिंचर आप पिला भी सकते हैं, लगभग 10 से 15 बूंद सुबह, दोपहर, शाम थोड़े से पानी में मिला लें, 1/2 कप गुनगुने पानी में, और उसे आप दिन में 3 बार पिलाएं। हल्दी दोस्तों एंटीसेप्टिक का काम करता है तो गले को तो अच्छा करेगा ही करेगा और आपकी इम्यूनिटी को भी बूस्ट करेगा। इसी के साथ फीवर के लिए दोस्तों आपको करना ही है कि चाइना नामक मदर टिंचर, जिसे हम लोग सिंकोनाफिसिनालिस भी कहते हैं, टीनोस्पोरा गिलोय का मदर टिंचर और अजय डिरेक्टा नीम का मदर टिंचर, इन तीनों को इक्वल मात्रा में प्रपोर्शन में मिक्स कर लें, 10-10 बूंद सुबह दोपहर शाम बच्चों को, और अगर बड़े हैं तो 15-20 बूंद सुबह दोपहर शाम। ये उनके फीवर की कंडीशन को भी खत्म कर देगा, बदन दर्द बुखार को भी कम करेगा और साथ ही साथ इम्यूनिटी को भी बूस्ट रखेगा। जी हाँ, अगर आपका फीवर दवा के सेवन से 1-2 दिन में सही हो जाता है तो ये जो दवा की फ्रीक्वेंसी है सुबह दोपहर शाम, इसको आप कम कर दीजिए और 1 बार दिन में 10 बूंद सुबह सुबह कंटिन्यू कुछ दिन तक इसको कंटिन्यू लेते रहिए, क्योंकि नीम और गिलोय जैसे जो तत्व है ये आपकी इम्यूनिटी को भी
बूस्ट करते हैं। अब आते हैं मेन खांसी पे। दोस्तों स्पेशली जो खांसी आ रही है वो ड्राई कफ बहुत ज्यादा आ रही है, बलगम वाली कफ बहुत कम बच्चों को है। तो यूजली करना ये है आपको र्यूमेक्स 30 सुबह दोपहर शाम, स्पेशली अगर बच्चों के गले में या बड़ों के गले में एक इरिटेशन पॉइंट फील हो रहा है कि एक जगह उंगली रखते ही खांसी सी आ जा रही है, ईचिंग जैसा महसूस हो रहा है, तो र्यूमेक्स 30 सुबह दोपहर शाम देकर आप काफी अच्छा रिजल्ट पा सकते हैं। अर्ली मॉर्निंग कफ एग्रावेट हो रही, सुबह उठे खांसी आना शुरू हो गई, रात में बेड पे जा रहे हैं तो खांसी आना शुरू हो गई। अरिलिया रेसिमोसा 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम आप ले सकते हैं, बड़ों में भी बच्चों में भी। मात्रा थोड़ी सी अपने अनुसार आपको सेट करनी, बच्चों को 2 से 3 ड्रॉप सीधे जबान पर या पानी में मिलाकर दे सकते हैं, बड़े 5 to 6 ड्रॉप दुगना कर लेंगे सुबह दोपहर शाम, या दिन में 4 बार भी ले सकते हैं अगर बहुत ज्यादा खांसी आ रही है। अगर बच्चे का गला बैठ गया है दोस्तों खांसते खांसते, तो पॉपुलस कैन 30 पोटेंसी में सुबह दोपहर शाम या हर 4-4 घंटे पर दे सकते हैं। अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है तो कफ सिरफ आता है दोस्तों रैलसन कंपनी का कफ रेस्ट, बच्चों के लिए है ये कफ सिरफ, एक ढक्कन सुबह दोपहर शाम लेना है। बड़ों में बहुत सारे कफ सिरफ है, बट वीजल का जो मिक्सचर है कफ सिरफ, मैं फोटो आपको शो कर दूंगा। बेसिकली अगर आप कफ के सिम्टम में कंफ्यूज है तो ये ये कफ सिरप आप ले सकते हैं। बड़ों में वीजल मिक्सचर आपको लेना है, और जो हम लोगों ने चर्चा की कि जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है टीनोस्पोरा एजा डायरेक्टा और चाइना का, इसको कंटिन्यू लेते रहिएगा। आप देखेंगे मैक्सिमम केस में फीवर और खांसी आपकी मुश्किल से 1 हफ्ते से 10 दिन में एकदम ठीक हो जाएगी। चूंकि वायरल इन्फेक्शन है तो थोड़ा टाइम जरूर लगेगा, मिनिमम एटलीस्ट 1 वीक, तो दवा आप कंटिन्यू जो मदर टिंचर का कॉम्बिनेशन है लगातार लेते रहे, कम से कम 1-1.5 महीने, कोई नुकसान नहीं है, 1-1.5 महीना ले लीजिए, जिससे कि आपका इम्यूनिटी जो है वो बूस्टअप हो जाएगा। और अगर आपके घर में ऐसे बच्चे हैं जिनको जल्दी जल्दी सर्दी जुकाम हो जाता है तो इन्फ्लुएंजिनम नाम की दवा आती है दोस्तों, 200 पोटेंसी में ले लीजिए, सुबह शाम 1 से 2 दिन दे दीजिए, वो उनकी इम्यूनिटी को बूस्टअप कर देगा। दोस्तों अगर वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोशिश करूंगा मैं सबका रिप्लाई करने की। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो चैनल को लाइक और शेयर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत।